वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आगे सर मैथ्स वाले। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए जल्दी से आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो बस आपको यहाँ पे देखना है कि ये स्टेटमेंट जो भी आपको दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विक रिकैप देता हूँ डिसजॉइंट सेट क्या होता है। अगर आपको दो सेट दिए गए हैं और एक सेट दूसरे सेट से कंप्लीट अलग है तो उसे कहेंगे हम डिसजॉइंट सेट। अगर एक भी एलिमेंट उसमें कॉमन आ जाता है तो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब ये दोनों सेट्स कंप्लीट अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, दोनों में आपको 3, 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। तो ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल्स है इंग्लिश लेटर्स के, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। मुझे यहाँ पे और करने पे ए कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। डिसजॉइंट सेट अब ये तो नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15, ये कंप्लीट इवन नंबर्स है, ये कंप्लीट ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों के बीच में, आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। लास्ट वाला हमारा देख लेते हैं, 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, यहाँ पे देखिए 2, 6, 10, 3, 7, 11 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, आर डिसजॉइंट सेट कह रहा है, मतलब ये बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है। ऊपर के दो फॉल्स और नीचे के दो ट्रू।